Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, girls. Hope you are doing well. Yesterday we started our lecture about experimental method. The experimental method ki humne mukhtalif jo stages thi unme se char stages ko discuss kiya tha, to unko ek bahut summary uski review ki le lete hain taki continuity maintain rahe aur aap logon ko पिछला वाला भी थोड़ा सा ज़रा माइंड में आ जाए. तो व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल मेथड? एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ सिस्टमैटिक एफर्ट दैट आर मेड टू एनालाइज फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली. इट इज़ एन एडवांस सिस्टमेटाइज्ड मेथड एंड इट्स अप्लाइड इन लेबॉरेटरी. तो ऐसा मेथड जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टडी करते हैं हम, और ये लेबॉरेटरी में ऑपरेटर्स और के साथ और हाईली कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंडर जब कोई मेथड अप्लाई किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड. वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज वाज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन हाइपोथेसिस, देन वेरिएबल्स एंड देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. प्रॉब्लम से ही एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टार्ट होता है, और प्रॉब्लम वो सिचुएशन होती है जिसमें हमें जब हम किसी जगह पर स्ट्रक हो जाएं, हमें उसका वे आउट ना मिल रहा हो और हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हों, तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है. जब हमें प्रॉब्लम होता है तो हम उसके तमाम जो मुमकिन सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर भी गौर करते हैं, सोचते हैं. तो हाइपोथेसिस एक्चुअली इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि उसका कोई हल क्या होगा. एंड अगेन अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज अबाउट द हाइपोथेसिस इज दैट इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर डिपेंडेंट वेरिएबल. ये हमने काफ़ी डिटेल से कर डिस्कस किया था. तो थर्ड जो स्टेज है वो हाइपोथेसिस के बाद वेरिएबल्स की है. वेरिएबल तो हाइपोथेसिस में आ ही जाते हैं, लेकिन जो थर्ड स्टेज है उसमें द हाइपोथेसिस आर ऑपरेशनली डिफाइंड. उसमें क्लियरली बताया जाता है कि हाइपोथेसिस होता क्या है, सॉरी वेरिएबल्स कितने हैं और जो हैं वो क्या हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है. तो दो तरह के, तीन तरह के वेरिएबल्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल्स विच आर यूजुअली द कॉजेज एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन और इफ़ेक्ट. यानी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये यूजुअली कॉजेज होती हैं, और ये जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी चीज़ में चेंज पैदा करते हैं. तो वो चेंज जो है वो जिसमें पैदा होती है दैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वेरिएशन ब्रॉट अबाउट बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द चेंज कैन टेक प्लेस इन द क्लाइंट्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. जो जिस पर भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं उससे सब्जेक्ट या क्लाइंट कहा जाता है, उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है एक्सपेरिमेंट की वजह से वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. और यूजुअली हमारे एनवायरनमेंट में जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक वजह होती है, वजह के नतीजे में जो वाकयात होते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. और थर्ड जो है वेरिएबल जिनको हमने कल जिनके बारे में डिस्कशन की थी, दे वर इंटरवीनिंग वेरिएबल, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल टू. तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं ये वो वेरिएबल होते हैं विच डायरेक्टली हैव नो रिलेशन विद द एक्सपेरिमेंट. यानी एक्सपेरिमेंट के साथ डायरेक्टली उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बट दे बाय एंड लार्ज कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि वो एक्सपेरिमेंट के नतीजे जो हैं उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं. ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल वेरिएबल एंड एनवायरमेंटल वेरिएबल. इंटरनल या इंट्रिंसिक वेरिएबल्स जो होते हैं इंटरवीनिंग, वो होते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो विच आर रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट और क्लाइंट. जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसकी पर्सनैलिटी और उसकी मेंटल स्टेट्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं, दे आर कॉल्ड इंटरनल और इंट्रेंसिक वेरिएबल. और ये जो हैं इनकी एग्जाम्पल हैं फ्रेशनेस, हंगर, थर्स्ट, मेंटल स्टेट, पर्सनैलिटी, एज, सेक्स, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, फटीग, एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो कि इंसान की
پرسنالٹی یا ذات سے تعلق رکھتی ہیں یہ ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. دوسرے ویریبلز ہیں جی انوائرمنٹل ویریبلز, ان کو ایکسٹرینیس ویریبل بھی کہا جاتا ہے, ایکسٹرنسک ویریبلز بھی کہا جاتا ہے. تو دیز آر دا ویریبلز وچ آر ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹل فیکٹرز سچ ایز ٹیمپریچر ان دا لیب, برائٹنیس آف لائٹ, نوائز لیول, یہ سارے یعنی جو فزیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ نظر آتا ہے, جو بھی لیب کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی سیٹنگ کیسی ہے, اس میں لائٹ, وینٹیلیشن اور ٹیمپریچر ریگولیشن کا پراپر ارینجمنٹ ہے یا نہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرنسک ویریبلس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں. اگر بہت تیز روشنی ہو, بہت شور ہو, تو انسان کے جو موڈ ہے اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اور فریشنیس اس کی نہیں رہتی. تو اس طرح سے یہ دونوں, چاہے وہ انٹرنسک یا انوینٹری ویریبلس ہوں یا انوائرمنٹل ویریبلس ہوں, دے آل ہیو ٹو بی کنٹرولڈ فار اے گڈ اینڈ کیئرفلی کنسٹرکٹڈ ایکسپیریمنٹ. ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. فورتھ اسٹیج واز ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ آؤٹ لائن, پلان یا میپ آف ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ ایکسپیریمنٹر جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اور ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ڈیسائڈ کرتا ہے پہلے سے ہی کہ اس کے ایکسپیریمنٹ میں کون کون سے ویریبلز ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کو پروڈیوس کرنے کے لیے کیا کیا اپریٹس استعمال ہوگا, کتنے سبجیکٹس اس میں حصہ لیں گے اور اس کے کون سے پاسیبل ریزلٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پہلے سے ہی چاک آؤٹ کر کے اس نے رکھا ہوتا ہے اور اسی کو ہی وہ اسٹرکٹلی فالو کرتا ہے, ادروائز جو ہے وہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے. یعنی وہ پہلے سے ہی ایک چیک لسٹ, پلان, آؤٹ لائن یا ایک میپ بنا کر رکھتا ہے. اور اس کی دو تین ٹائپس, فائیو ٹائپس لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے تھری رینڈمائزڈ گروپ ڈیزائن, میچ ڈیزائن, نیٹ سبجیکٹ ڈیزائن, فیکٹوریل ڈیزائن. یہ ان میں سے دو تین آپ لوگ ان کے نام یاد کر دیجیے گا بیکاز اس کی ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا. تو آج جو ہم نے کرنا ہے دیٹ از سلیکشن آف سبجیکٹ. جب آؤٹ لائن ہو جاتی ہے, ہر چیز ڈیسائڈ ہو جاتی ہے کہ کیسے کرنا ہے, اب وہ لوگ جن کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جانا ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی سلیکشن کرنا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹر کرتا ہے. ان آرڈر ٹو اسٹڈی انڈیپینڈنٹ ویریبلس اینڈ دیئر افیکٹس ڈیورنگ دا ایکسپیریمنٹ, ون اور مور سبجیکٹس آر سلیکٹڈ اکارڈنگ ٹو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. تو دا منیمم نمبر آف سبجیکٹس ان این ایکسپیریمنٹ از ون, ایک ایٹ لیسٹ ون سبجیکٹ جو ہے وہ نیسیسری ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے, لیکن مور دین ون سبجیکٹس بھی ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف ہائپوتھسز اینڈ دا نیچر آف پرابلم ٹو بی اسٹڈیڈ, نمبر آف سبجیکٹ کین ویری. تو آپ کا جو بھی پرابلم ہے اگر اس میں ایک سے زیادہ سبجیکٹس کی ضرورت ہے تو وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. تو نمبر آف سبجیکٹس ان این ایکسپیریمنٹ از ون, منیمم نمبر. ہاؤ ایور مور دین ون سبجیکٹس کین بی انکلوڈیڈ. جنرلی سبجیکٹس آر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو گروپس ٹو کمپیئر دا ریزلٹس آف این ایکسپیریمنٹ. دا ٹو گروپس آر ایز فالوز. کچھ ایکسپیریمنٹ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جن میں کمپیریزن کا فیکٹر آتا ہے, جن میں ہم نے دو ایک گروپ کے اوپر انڈیپینڈنٹ ویریبل اپلائی کرنا ہوتا ہے, دوسرے پر نہیں کرنا ہوتا, اور دیکھنا ہوتا ہے کہ جس پر انڈیپینڈنٹ ویریبل اپلائی ہوا یعنی ایکسپیریمنٹ ہوا اس کے ریزلٹس اور جس پر ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا اس کے ریزلٹس میں کیا فرق ہے. تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ جو ہائیلی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اور ہائیلی کنسٹرکٹڈ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان میں یوزلی ٹو ٹائپس آف گروپس آف سبجیکٹس کین بی سلیکٹڈ. دا ون نمبر ون از ایکسپیریمنٹل گروپ اور ایکسپیریمنٹل سبجیکٹ. وہ ایک یا ایک سے زیادہ سبجیکٹس ہو سکتے ہیں, گروپ بھی ہو سکتا ہے سبجیکٹس کا ایکسپیریمنٹل کا, اور ون ایکسپیریمنٹل سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے جس پر اسٹرکٹ ایکسپیریمنٹل کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے کنٹرول گروپ یا کنٹرول سبجیکٹ. یہ وہ ممبر یا ممبرز ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہماری آرڈینری کنڈیشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ویریبل یا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ اور پھر صرف کیوں حصہ لیتے ہیں, کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اگر ان پر ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جاتا تو پھر ان کو سلیکٹ کیوں کیا جاتا ہے یا ان کو ایکسپیریمنٹ میں رکھا کیوں جاتا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جب ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عام کنڈیشنز
में लोगों का रिस्पांस क्या होता है, और स्पेशल कंडीशंस जिनमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो उस स्पेशल वेरिएबल के अप्लाई करने के बाद उसमें क्या चेंज आता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो इसलिए यूज़ होते हैं। तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, सॉरी कंट्रोल सब्जेक्ट्स, दिस रिफर्स टू द सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स विच इज़ स्टडीड लाइक द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बट टू विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डू नॉट अप्लाई। यानी ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल या एक्सपेरिमेंट एक्चुअली नहीं किया जाता। कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट शुड बी इक्वल इन नंबर। अगर हमने एक कंट्रोल सब्जेक्ट लिया है तो एक ही एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हमने वो तीन लिए हैं एंड कंट्रोल, तो तीन ही एक्सपेरिमेंटल होने चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो बी सिमिलर इन एज, जेंडर एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी सेम होना चाहिए, उनकी एज एक ही होनी चाहिए, उनका आईक्यू लेवल और एजुकेशन भी सिमिलर हो, और इसी तरह से उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी वो जिस भी सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक ही होनी चाहिए। अगर हमने मिडिल क्लास के एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट लिए हैं तो कंट्रोल ग्रुप के सब्जेक्ट्स भी मिडिल क्लास से ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं कंट्रोल सब्जेक्ट्स और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स। जैसा कि बता चुकी हूँ मैं कि द सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इज स्टडीड अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, दे हैव टू फेस स्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स, और द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई होता है, यानी एक्सपेरिमेंट उन पर एक्चुअली किया जाता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल के ज़रिए जो है वो वजाहत करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल सब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है। हाइपोथेसिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक स्टेटमेंट है अबाउट टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक हाइपोथेसिस एक कॉमन हमारी ऑब्जर्वेशन भी है, अ ब्रेक इन लर्निंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा काम करने के बाद छोटी सी ब्रेक दी जाए तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। ये एक हमारा हाइपोथेसिस है, हमने ये बात फ़र्ज की है। हम अब इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम जिसको भी, जिस पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसको हम कुछ टीच करें या कुछ सिखाएं और फिर ब्रेक दे दें, फिर सिखाएं और ब्रेक दे दें और फिर उसकी परफॉर्मेंस मेजर करें। इससे ये होगा कि हमें उस एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का पता चलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम दो ग्रुप्स बनाएं, ये जैसे नीचे देखिए एक ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और सब्जेक्ट जो है एक वो हैं और उनके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई हो रहा है, वो क्या है, रेस्ट गिवन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट में कुछ काम करने के बाद उन्हें रेस्ट दिया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रेस्ट के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं होगी, दो चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चों को मैथमेटिक्स का एक लेक्चर दे रहे हैं और हम उनको 10 क्वेश्चंस जो हैं, 10 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाने के बाद उनको रेस्ट का ब्रेक देते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको जो उन्होंने वो 10 क्वेश्चंस की पढ़े थे वो दोबारा करवा कर देखते हैं, कि उनसे कहते हैं कि ये सॉल्व करें और देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी, अच्छी बुरी या नॉर्मल, तो वो जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और रिजल्ट्स क्या होंगे ये अभी हम बाद में देखते हैं। उसके बाद आ जाएं जी कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो है ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा, दे आर नॉट गिवन रेस्ट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्हें 10 क्वेश्चंस जो हैं वो समझाए जाएंगे और फिर रेस्ट दिए बगैर उन्हें कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करें और फिर उनके मार्क्स देखे जाएंगे। रिजल्ट्स क्या होंगे, डिफरेंस इन परफॉर्मेंस शोन बाय द ग्रुप्स, यहाँ लिखा हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें कि पहला ग्रुप जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, जिनको हमने 10 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करवाए, फिर थोड़ा रेस्ट का टाइम दिया और उसके बाद हमने उनको कहा कि ये सॉल्व करें, यानी उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया, उनके मार्क्स आए 9 out of 10। ठीक है, यानी उनकी परफॉर्मेंस गुड थी, ये हमने नोट कर ली।
कंट्रोल ग्रुप जो है उनको हमने 10 क्वेश्चंस पहले लेक्चर दिया और फौरन ही उन्हें कहा कि अब आप जो है इनको सॉल्व करें और उनके मार्क्स देखें। फर्ज करें उनके मार्क्स आते हैं 6 out of 10, ये नोट कर लिए। अब 9 out of 10 और 6 out of 10, 9 out of 10 90% परफॉर्मेंस और 6 out of 10 60% परफॉर्मेंस। तो ये डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ रेस्टिंग ब्रेक ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गया होगा यकीनन आपको कि रेस्ट ब्रेक इन लर्निंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, कि हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जब ब्रेक दिया तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई, 9 out of 10 उन्होंने मार्क्स लिए, और कंट्रोल ग्रुप जिस पर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल अप्लाई नहीं किया और उनको हमने कोई ब्रेक नहीं दी तो उनका जो आउटपुट था या उनका रिजल्ट जो था वो 60% रहा। तो ये जो है ये एक एग्ज़ाम्पल है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के यूज़ करने की। 6th stage इज अपरेटस। द इक्विपमेंट नीडेड टू कन्फर्म और रिजेक्ट अ हाइपोथेसिस इज नोन एज अपरेटस। यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हमारा हाइपोथेसिस है या तो प्रूव होगा या नहीं होगा। जैसे इसमें ही हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है कि वाकई ब्रेक इन लर्निंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। लेकिन अगर दोनों की परफॉर्मेंस सिमिलर होती, दोनों के 9 out of 10 या 6 out of 10 मार्क्स आते, तो फिर इसका मतलब ये था कि ब्रेक का कोई ख़ास फर्क नहीं, असर नहीं हुआ, तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। एनीवेज एंड द इक्विपमेंट, समटाइम्स इक्विपमेंट्स आर यूज, फॉर एग्जांपल डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। आप लोगों का प्रैक्टिकल आई होप नहीं है इसमें, लेकिन ये कि जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है इंटरमीडिएट लेवल पर, उन्हें पता है कि हमारे पास बहुत सारे अपरेटस होता है जिसके ज़रिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उनमें बहुत से अपरेटस में से स्टॉप वॉच हो सकती है, मेज बॉक्स, लिस्ट ऑफ मीनिंग फॉर मीनिंग लिस्ट वर्ड्स, स्टार पैटर्न, मिरर ड्राइंग अपरेटस, मुलर लायर कार्ड, पिक्चर्स ऑफ TAT, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट एट्सेट्रा। ये मुख्तलिफ अपरेटस के नाम हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में यूज़ होते हैं। उसके बाद जी 7th stage इज़ कंट्रोल्ड कंडीशन। अभी हमने आपको मैंने रिव्यू भी दिया है पहले कि वेरिएबल्स की जो 3rd type होती है दैट इज़ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और उसमें से 2 types हैं एनवायरमेंटल या एक्सट्रेंसिक जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, और इन्वेंट्री या इंटरनल वेरिएबल्स जिनको इंट्रेंसिक वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो कंट्रोल कंडीशंस क्या होती हैं? दिस रिफर्स टू द कंडीशंस और फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट रिजल्ट्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट शुड हैव कंट्रोल ओवर देम एंड ही शुड बी एबल टू अप्लाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जो एक्सपेरिमेंटर है उसको कमांड होनी चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट पर, अपरेटस पर, और जो कंडीशंस होती हैं स्पेशली जो लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन, सीटिंग भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, और नॉइजलेस एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी सारे वेरिएबल्स जो हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं आते। लास्ट स्टेज इज़ रिजल्ट्स। दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। द सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सेज रिएक्शंस आर एनालाइज्ड इन इट। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। अभी मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दी है ब्रेक इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, उसमें मैंने आपको ये कहा कि हम स्टूडेंट्स जो हैं उनको 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए देंगे और फिर उसको हम देखेंगे कि उनका जवाब क्या आया है। तो अगर 9 out of 10 को मैंने कहा 90%, तो ये है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जो कि बहुत बेसिक मेथड है स्टैटिस्टिक्स का। तो इससे हमें एक नंबर में जो है वो पता चल जाता है परफॉर्मेंस का। तो इसी तरह से मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम जो है वो अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और जो है जब एनालिसिस हो जाता है तो उसके बाद उसकी फिर रिपोर्ट लिखी जाती है एक्सपेरिमेंट की पूरी। ये एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किए हुए हैं उन्हें पता होगा इसके बारे में कि ये
स्टार्ट होता है प्रॉब्लम से और एंड होता है रिजल्ट्स पर. उसके साथ ही कुछ टेबल्स और ग्राफ्स जो हैं वो भी रिजल्ट्स को सपोर्ट करने के लिए शो किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएं. तो रिजल्ट्स जो हैं वो पूरे एक्सपेरिमेंट जो की जो है वो समरी होती है और वो रिजल्ट्स जो हैं वो हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने और या रिजेक्ट होने के बारे में भी हमें बताते हैं. तो अब ये आपका मेथड हो गया कंप्लीट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे हम. एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि ये दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू डिटरमिन कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. अभी ये बार बार हम एक ही बात कर चुके हैं कि दो वेरिएबल्स जिनमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर कॉज एंड इफेक्ट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑलवेज कॉजेज, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑलवेज इफेक्ट्स. तो उनके रिलेशनशिप को डिटरमिन करने का ये बेस्ट वे है. एक्सट्रेनियस मेथड कैन बी कंट्रोल्ड मोर इफेक्टिवली. ये मेथड जो है वो इसलिए साइंटिफिक है कि इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है. द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एरर इज मिनिमाइज्ड. ये ऑब्जेक्टिव मेथड भी है इसलिए कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइक्स और डिसलाइक हैं, ये आगे आपकी बुक में भी मैं बताऊंगी आपको. ये मैंने एक स्लाइड आपके लिए बनाई है. तो वो जो है ह्यूमन एरर भी मिनिमाइज हो जाता है और एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड टू वेरीफाई रिजल्ट्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं बार बार ताकि उनके रिजल्ट्स जो हैं हमेशा एक जैसे आएँ. तो हमेशा एक जैसे रिजल्ट्स आएँ तो वो हम कहते हैं रिलायबल एक्सपेरिमेंट है. तो आपकी बुक में जो इसके दिए हुए हैं एडवांटेजेस वो हैं कि पहला इसका एडवांटेज है कि दिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मेथड दैट साइकोलॉजी अर्न द स्टेटस ऑफ अ साइंस. ठीक है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं. इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड. इट कैन बी अप्लाइड टू मैनी सब्जेक्ट्स. ये जो है ये ह्यूमन बींग्स पर, एनिमल्स पर, इन्फेंट्स पर, चिल्ड्रन पर, एनिमल्स पर, सबके ऊपर अप्लाई हो सकता है और का बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. एनालिसिस कहते हैं इन डेप्थ स्टडी. किसी भी चीज़ का तज्जिया इसे उर्दू में कहा जाता है, या उसके बारे में बहुत डिटेल के साथ जानना. तो रिजल्ट्स जो हैं वो इसमें एनालाइज हम करते हैं और हर एक चीज़ की डिटेल को जानते हैं. दिस मेथड इज़ एन ऑब्जेक्टिव मेथड. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एन ऑब्जेक्टिव मेथड बिकॉज इट डज नॉट अलाउ ऑफ द एक्सपेरिमेंटर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बायसेस और प्रेजुडिसेस. जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो होता है ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो एक इम्पार्शियल ह्यूमन बीइंग होता है. उसकी किसी की तरफ झुकाव नहीं होता किसी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में. उसकी लाइक या डिसलाइक नहीं होती. वो बिल्कुल एक साइंटिफिक पर्सन की तरह बिहेव करता है और वो उसके लिए अपना एक्सपेरिमेंट ही जो है वो मेन चीज़ होती है. बाकी किसी चीज़ के ऊपर वो इंक्लिनेशंस उसकी नहीं होती. तो इसके अलावा प्रिडिक्शन का मतलब होता है पेशगोई, पहले से कुछ बता देना, पहले से ही जान लेना या पहले से अंदाज़ा लगा लेना. तो ये भी एक इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी इसको कहा जाता है. इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंट कैन प्रिडिक्ट इन द लाइट ऑफ हिज रिजल्ट्स. के जैसे अभी लास्ट हमने हाइपोथेसिस देखा था, अगर हमारे एक एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो जाता है कि ब्रेक इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम जिस भी ग्रुप को अच्छा ज़्यादा पढ़ाना चाहें, अगर हम उनको छोटे छोटे ब्रेक इंटरवल्स देंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी. ये होगी प्रिडिक्शन. तो इस तरह से ये जो है इसकी एडवांटेजेस हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. इसका पहला जो लिमिटेड स्कोप है इसको आप रहने दें क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है पिछली पॉइंट्स के साथ. तो सेकेंड वन से हम स्टार्ट करेंगे. इनहेरेंट सब्जेक्टिव स्टेट्स. अब इस पे क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है, ऑब्जेक्टिव मेथड है, साइंटिस्ट जो होता है एक्सपेरिमेंटर, वो क्योंकि एक साइंटिस्ट होता है और वो ख़ुद जो है वो अपनी लाइक और डिसलाइक जो है उसको जहन में ही नहीं रखता. तो ये मेथड जो है वो हाईली फोकसेस ऑन द आउटवर्ड बिहेवियर. जो भी इंसान का बिहेवियर कंडक्ट होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको तो ये फोकस करता है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंट्रोल इनर स्टेट्स ऑफ द सब्जेक्ट. इन दिस मेथड जो इनर स्टेट्स होती हैं, जैसे आपको अगर कहा जाए कि आपने एक साइकोलॉजी का आप पर एक्सपेरिमेंट होना है तो आप डर जाएंगे थोड़ा सा अंदर से.
और उससे ये होगा कि आप जो है वो अपना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं देंगे या सोचेंगे पता नहीं मेरी इस बात से किसी को क्या पता चल जाए, लिहाजा आप सोच समझ कर मास्क या ऐसा रिएक्शन देंगे जो आपके ख्याल में अच्छा होगा, चाहे वो एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हो या ना हो। तो इस तरह से इनर फीलिंग्स जो हैं उनको ये निगलेक्ट करता है और इट नीड्स फुली इक्विप्ड लेबॉरेटरीज। एक्सपेरिमेंटल मेथड नेसेसिटेट्स अ वेल इक्विप्ड लेबॉरेटरी हैविंग द कैपेसिटी टू कंट्रोल ऑल फैक्टर्स। देर आर वेरी फ्यू लैब्स ऑफ दिस काइंड, अ लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू सेट अप अ हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब। पाकिस्तान जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पर इस तरह की लेबॉरेटरीज के लिए कोई इतनी फंड्स अवेलेबल नहीं होते, तो अ फ्यू ऑफ लेबॉरेटरीज में बी फुली इक्विप्ड। आम तौर पर जैसे हमारे पास भी जो लैब है उसमें थोड़ा सा एक चंद एक चीज़ें हैं, अपरेटस है, क्योंकि इतने फंड्स हमारे पास नहीं होते कि हम बहुत एक्सपेंसिव जो हैं वो इक्विपमेंट ख़रीद सकें, या फिर हमारी लैब्स जो हैं वो उस तरह की इक्विप्ड नहीं हैं वेंटिलेशन या टेम्परेचर कंट्रोल या फिर साउंड नॉइज़ कंट्रोल जो है वो अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा जी इसकी एक और शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक है कि एडवांस ट्रेनिंग के कोई ऑर्डिनरी पर्सन या लेमैन जो है वो इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट नहीं कर सकता। द एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी हाईली ट्रेन टू अप्लाई दिस मेथड एंड इन एडिक्वेटली ट्रेन एक्सपेरिमेंटर कैन नॉट गेट बेटर रिजल्ट। इनएडिक्वेट मीन्स के जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एक्सपर्टीज ना हो, वो एक्सपेरिमेंट कर तो शायद ले लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हैंडल नहीं कर सकेगा, वो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बना सकता। तो और जब कोई एक्सपर्ट होता है तो वो फिर हाईली पेड भी होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड करता है अपनी सर्विसेज के लिए, अपनी जो सैलरीज होती हैं, तो इसलिए दिस इज़ नॉट इकोनॉमिकल इन मनी एंड टाइम टू। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल मेथड क्रिएट्स आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इन द लैब इज़ आर्टिफिशियल एंड न्यू टू द सब्जेक्ट। जाहिर है वो आपकी एवरीडे लाइफ की तरह का तो नहीं होता, वहाँ पर एक प्रॉपर कमरा होता है, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटर होता है और उसको देख के वैसे ही लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे बारे में क्या जान लेगा। तो इसलिए एनवायरनमेंट आर्टिफिशियल होता है, दैट gives rise to artificial response too. जब environment artificial होगा तो response भी original और spontaneous नहीं होगा। Hence all subjects cannot reveal their behavior. कि वो अपना जो original behavior है वो सामने नहीं लाते, on the contrary they often dissimulate their real response. वो mask कर लेते हैं, छुपा लेते हैं अपने real response को। और last इसकी जो advantage है, it is expensive. Experimental method involves enormous resources. If all resources are provided, it becomes a very expensive method. Conversely, if all resources are not provided, the validity of results is affected. जैसे मैंने आपको कहा कि हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम मस्ट है, साउंड प्रूफ होना या फिर नॉइस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से कंफर्टेबल सीटिंग और प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा होना, यानी जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसको लिबर्टी हो, वो इजी और कंफर्टेबल फील करे और जो चाहे वो बात कर ले। और उसको बहुत से ऐसे इदारे हैं जो अपने सब्जेक्ट्स को पे भी करते हैं फॉर देयर सर्विसेज ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड एज सब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें मनी इन्वॉल्व होती है, यानी अगर हम देखें तो इन फर्स्ट प्लेस देर शुड बी अ फुली इक्विप्ड लेबॉरेटरी जो कि जाहिर है अच्छे खासे फंड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन द एक्सपर्ट एक्सपेरिमेंटर इज़ हाईली पेड, वो बहुत सारे पैसे डिमांड करता है, और फिर अगर सब्जेक्ट्स को भी पे करना हो तो ये मेथड जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर रिसोर्सेज ना हो, हम ये कहें कि नहीं इनके बगैर भी हो सकता है, नहीं भी होगी लैब तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तो फिर उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत वैलिड नहीं होते या हाईली रिलायबल नहीं होते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कि आज हमने ख़त्म कर लिया है। इसके आई थिंक के मैंने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इसी करके इसको समझाने की कोशिश की है, आपको उर्दू में भी काफ़ी कुछ बताया है।
तो अब आप लोग इसको मेरे समझ गए होंगे, लेकिन सुनने से इसे समझ नहीं आता है। इसको रिलैक्स होकर आप आराम से बैठकर पढ़ें अपनी बुक में, बुक लेकर, तो उससे जो है वो आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। और एक बच्चे ने ये क्वेश्चन किया हुआ था कि जी हमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बता दें, कौन कौन से होंगे, निशान लगवा दें। तो बेटा अब आप लोग डिग्री लेवल पर आ गए हैं, आपका जो ये प्रोग्राम है ना ADP, इसका मतलब है, इसका मतलब है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो आप लोग जो हैं वो अब बहुत छोटी क्लास में नहीं हैं, और अब जो है वो स्पून फीडिंग नहीं होगी। अभी भी काफ़ी हद तक जो आपको जिस तरीके से मैं लेक्चर्स दे रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी में इस तरह के लेक्चर्स नहीं होते हैं, ना ही कोई बुक होती है। उसमें आप लोगों को टीचर्स जो हैं वो टॉपिक्स बता देते हैं, एक घंटे का लेक्चर देकर वो चले जाते हैं, आपने ख़ुद जो है वो नेट से सर्च करके या बुक्स लाइब्रेरी से लेकर उसके नोट्स बनाने होते हैं। तो अब ये सोचना छोड़ दें कि आपको सवालों के जवाब कोई बताएगा, अब आपने ख़ुद शॉर्ट, क्योंकि आप पहले जो जिस सिस्टम से एग्ज़ाम देकर आए हैं वही वाला ही सिस्टम अब भी है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने ख़ुद बनाने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने ख़ुद बनाने हैं। हाँ, कहीं कोई आया पॉइंट ऐसा तो मैं बता दूंगी आपको, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं आपको लिखे हुए सारे दे दूंगी और आप जो हैं वो उसको रट्टा लगा लेंगे, ऐसे नहीं। आपको ख़ुद ही ये सारा कुछ करना है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें उसको ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई करें, और बच्चों वाली स्टेज पर से आप थोड़ा आगे आ जाएं। तो इसके साथ ही अब लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़ टिल टुमारो, और कल जो है वो फिर हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। नहीं, आई थिंक नहीं, कल भी आपका है लेक्चर, तो हम फिर नेक्स्ट टाइम जो है एक नए टॉपिक के साथ, केस हिस्ट्री और क्लिनिकल मेथड के साथ आएंगे। तो अभी तक जो है वो इतना ही, और इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।